कैसे आप सब, होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आया हूँ यहाँ पे वीडियो शूट करने, तो चलो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं देसी स्टाइल में वर्कआउट। सो सबसे पहले वार्म अप करते हैं, सो लेट्स सी। सबसे पहले हमें वार्म अप कर लेना है, दबा के एकदम बढ़िया से स्ट्रेचिंग होना चाहिए। वार्म अप से क्या है, हमें इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और वर्कआउट से पहले वार्म अप करना जरूरी है ताकि हमारे बॉडी को रेडी कर सकें फॉर वर्कआउट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जंप कर लेता हूँ। और सबसे बेस्ट स्ट्रेचिंग ये है बैक का, तो ये दोनों हाथ को इसे पकड़ना है, यूं करके ऊपर ले जाना है पहले, देन उसके बाद नीचे आराम से, फिर यहाँ पे होल्ड रखना है जिसे डेडलिफ्ट मारते हैं, और इसको पुश करना है नीचे लेके जाना है। तो इससे क्या हमारे बैक का जो भी हमारा जो बैक है एकदम बढ़िया की तरीके से एकदम स्ट्रेचिंग हो जाएगा, इसको टच कर देना है। और बैक के साथ साथ ये पूरा लेग का जो एरिया है पीछे का, ये भी आ जाता है इसमें, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है ये। तो उसके बाद में दोनों हाथ को यूं करना है। सो वार्म अप करने के बाद अब मैं थोड़ा सा स्क्वेट करता हूं, उसके बाद स्क्वेट जंप। सो स्क्वेट लगाने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना है, दोनों पैरों को इतना खोल लेना है, उसके बाद हाथ यूं करके सामने और नीचे जाना आराम से, बस इतना, हाफ हाफ तक नीचे जाना है, उसके बाद देन अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें स्क्वेट जंप करना है, तो जंप करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो हमारा स्क्वेट और स्क्वेट जंप हो गया। अब हम चलेंगे पुशअप्स करने। सो लेट्स गो, अब हम पुशअप्स मारने वाले हैं। तो पुशअप्स मारने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से दोनों हाथ रखना और यूं करके पूरा चेक कर लेना, यहाँ एक हाथ के बरोबर हमारा हाथ होना चाहिए। देन ये पोजीशन हो गया, फिर पीछे जाएंगे और पैर को थोड़ा इतना लेके जाएंगे, उसके बाद हमारा हैंड और शोल्डर सामने होना चाहिए, देन ऊपर टेक पोजीशन, देन स्टार्ट। तो हमें स्लोली नीचे जाना है, उसके बाद ऊपर पुश करना है फास्ट, नीचे स्लो लेके जाना है बॉडी को, ऊपर फास्ट करना है, ऐसे लगाना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो फॉर बिगनर, जो बंदे बिगनर है वो 10 to 20 काउंट कर सकते हैं। सो अब हम पुलअप्स करने वाले हैं। सो पुलअप्स के लिए बेस्ट रहता है ये दो पाइप लगाए, ये बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा। सो लेट्स सी। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो ये एट काउंट लगाए। सो राइट, अब हम एक
और करने वाले हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। बट ये क्या है, इसका नेम क्या है, मुझे भी नहीं मालूम है। और काफी ज्यादा डेंजरस होता है ये वाला। तो दोनों हाथों को पहले यहां से पकड़ना है, इतना थोड़ा दूर से पकड़ना है, उसके बाद ऊपर लेके जाना है दोनों पैरों को, फिर बाहर निकलना है ऐसे, फिर यहां पे होल्ड करना है थोड़ा सा, फिर बैक जाना है, देन अगेन सेम। तो एक्सरसाइज फोर आर्म्स के लिए, तो पहले हमें पुशअप्स वाले पोजीशन में आ जाना है। यहां से मैं करता हूं ताकि आपको अच्छा दिखे, ये रहा। फिर उसके बाद में दोनों हाथों को ऐसे करके रखना है, ऐसे करना है, ओके। तो हमें क्या करना है, पोजीशन, उसके बाद चल के जाना है 360 जैसा, 1 1 2 2 3 3, उसका खोल देना है हाथ, फिर एक पुशअप्स मारना है। अब फिर उसके बाद रिटर्न जाना है जहां से हम स्टार्ट किए थे, 1 1 2 2 3 3, फिर यहाँ हाथ खोल देना है, फिर पुशअप्स मारना है। अब अगेन 1 1 2 2 3 3, फिर आप खोलना है, फिर पुशअप्स मारना है, डाउन अप, फिर अगेन सेम पोजीशन, 1 1 2 2 3 3, हाथ खोलना है, देन अगेन अप। सो ये एक्सरसाइज फॉर बिगिनर फोर आर्म्स के लिए है। हमारा फोर आर्म्स भी स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए।